नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। दिखने में ये बेहद ही असाधारण स्वभाव का इंसान लग रहा होगा, लेकिन ये इंसान ऐसा है जिसने 6 मर्डर को अंजाम दिया है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर में हुए 6 हत्याकांड की। आपको याद होगा कि शनिवार यानी 11 मई की सुबह सूचना मिलती है पुलिस को, जिसके बाद पुलिस वहां मौके वारदात पर पहुंचती है तो पता चलता है कि एक ही घर के एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल हुआ है। हालांकि पहले तो ये खुद को बताया जाता है कि उस घर में जिसने 6 हत्याएं की है, यानी इंक्लूडिंग जो अनुराग था, वो खुद को भी मौत की नींद सुला लेता है क्योंकि गोलियों से खुद को भी वो शूट कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जाँच पड़ताल आगे बढ़ती है, वैसे ही मामला परत दर परत खुलते जाता है और जो कातिल है वो खुद सामने आता है और पता चलता है कि कातिल अभी मरा नहीं है। कातिल उस घर में इकलौता चश्मदीद बना यानी अजीत ही था। दरअसल इस 6 हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई मामूली शख्स नहीं था। दरअसल अजीत जो है वो पेशे से शिक्षक भी है, यानी रामपुर ब्लॉक के मथुरा में एक विद्यालय में वो बकायदा शिक्षक था, वहाँ टीचर था। आपको बता दें कि अजीत ने शनिवार यानी जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसकी सुबह वो स्कूल में मेडिकल लीव डाला था, जबकि उसकी तबीयत बकायदा ठीक बताई जा रही है क्योंकि उसने पुलिस को भी गवाह दिया जिसमें उसने बताया कि उसका भाई जो अनुराग है वो नशे का आदि था, जिसकी बदौलत उसकी पत्नी यानी प्रियंका से अनबन थी और इसी की चलते वो अपनी पत्नी समेत बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अजीत जो इतनी चालाकी से बताता है कि वो अनुराग उस पर भी हमला बोलने आया था, लेकिन वो किसी तरह से बच निकलता है, जिसके बाद वो पूरी खबर पुलिस को देता है। सोचने वाली बात है कि जो प्रियंका का भाई है अंकित, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने बताया कि उनका जो छोटा भांजा यानी आद्विक था वो जिंदा था। लगभग 45 मिनट तक वो ज़मीन पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, लेकिन जब घर वाले आस पड़ोस के लोग अजीत से चाबी मांगते हैं कि गाड़ी की चाबी दे दो तो वो नहीं देता, जिसके बाद 45 मिनट की देरी से आद्विक और उसकी छोटी बहन को ले जाने में पड़ोसी कामयाब होते हैं, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुँचते हैं उतनी देर में आद्विक और उसकी बहन ने दम तोड़ दिया था। यानी कुल मिलाकर ये था कि अजीत जो है वो बकायदा प्लानिंग के तहत अपने स्कूल में मेडिकल लीव अप्लाई करता है जबकि उसकी तबीयत ठीक होती है, इसके बाद वो उस घर में इस हत्याकांड को अंजाम देता है। जिस तरह से अजीत के सारे कारनामे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसने शनिवार को स्कूल में पहले से मेडिकल लीव डाला था, तो ये भी संदेह पैदा करता है अजीत के सवालों पर कि अजीत ने जो सवाल दिए थे और जिस तरह से उसने लीव अप्लाई किया था उसे बखूबी पता था कि शनिवार को कुछ होगा उस घर में जिसकी वजह से वो स्कूल जाने में असमर्थ होगा और ये बकायदा प्लानिंग के तहत उसने पहले से छुट्टी अप्लाई ऑनलाइन ही कर दिया था। स्कूल स्टाफ का ये भी कहना है कि वो स्कूल में अच्छे से ध्यान नहीं रखता था, यानी पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं था बल्कि वो फ़ोन पर घंटों बात करता था, जिसमें वो समय समय पर अनुराग का भी नाम लेता था। और स्कूल स्टाफ का ये भी कहना है कि वो अनुराग से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से स्कूल में भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें दबी जुबान ही बताई है कि उसका और उसके भाई का रिलेशन अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरह से उसने प्लानिंग के तहत लीव लिया था, ये काफ़ी ठोस सबूत उसके अगेंस्ट जाता है क्योंकि उसने पहले से अपनी प्लानिंग के तहत इस छुट्टी को अप्लाई किया था, कोई कोइंसिडेंस नहीं था क्योंकि मेडिकल लीव था। और जब उसे पुलिस ने पूछताछ की थी तो वो बिल्कुल सही सलामत था, जिसकी वजह से उसे पुलिस भी कटघरे में लाकर खड़ी कर दी है और उसे लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि स्कूल वाले ने शिकायत दी है जिसमें कहा है कि इसे निरस्त किया जाए इसके पद से, क्योंकि इसने जो हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिस तरह से इसने प्लानिंग रची है वो खौफनाक है, जिसकी वजह से स्कूल वाले भी अजीत के खिलाफ ही है। दूसरी ओर बता दें कि वो पेशे से अच्छा शिक्षक था, पैसे थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अजीत से खार खाए बैठा था। ऐसा ये भी आया है बात सामने कि किसान क्रेडिट कार्ड का कुछ लोन था जिसके अमाउंट को लेकर अजीत और उसके भाई अनुराग में झगड़े होते थे, और दूसरी ओर उसकी माँ जो सावित्री थी वो अनुराग का ही फेवर करती थी, जिसकी वजह से अजीत अकेला पड़ जाता था और इसी के तहत उसने बकायदा प्लानिंग रची और प्लानिंग के तहत उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका और उसके 3 बच्चे समेत उसकी मां यानी सावित्री देवी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बकायदा खुद गवाह बनता है जिसमें बताता है कि वो उस घर में मौजूद था, उसे पता था कि उस घर में हत्याएं हो रही हैं, कत्ल हो रहा है, लेकिन उसे खुद को बचाना था, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद कमरे में कैद हो जाता है। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी,
अंदर से नहीं, जिस पर पुलिस को संदेह होता है और पुलिस उसे पूछताछ करती है। दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो सारा का सारा मामला ही सुलझ जाता है, जिसमें पता चलता है कि अगर अनुराग जो था खुद को गोली मारता है तो वो दूसरी गोली चलाने के इसमें कैसे था, क्योंकि वो स्टेटस नहीं होता किसी शख्स का कि एक गोली मारने के बाद भी वो जिंदा रह सके और दूसरी गोली चला सके। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जो अजीत के खिलाफ खड़े थे और पुलिस इसी सब एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस मामले में यही अपडेट है कि अजीत समेत उस घर का नौकर अजीत के ताऊ को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। वहीं ताऊ के जो दो बेटे हैं आशुतोष और अमित, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर उस घर के नौकर से भी पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही अनुराग के जो बहनोई है, यानी उनके बहन की जो उनके बहन के जो पति हैं अखिलेंद्र, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि जिस वक्त क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था उसी समय पुलिस से कुछ कहा सुनी होती है, जिसके बाद पुलिस को उस पर भी संदेह होता है। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ महीने पहले अनुराग और उसके बहनोई यानी अखिलेंद्र में झड़प हुई थी, झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अनुराग और अखिलेंद्र में दूरियां हो गई थी। तो पुलिस इन तमाम वजहों को तलाश रही है कि आखिर मकसद क्या था, प्लानिंग के तहत मर्डर अंजाम देने वाले कौन कौन लोग थे। फिलहाल इस मामले में इतना ही, कुछ आगे अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।